अखिलेश ने सपा की ओर से दावेदारों को दे दिया संकेत, उम्मीदवारी पक्की मानकर दावेदारों ने भी तेज कर दी तैयारी। एक नहीं एक दर्जन से ज्यादा सीटों पर सपा के दावेदारों ने जनता से संवाद कर दिया शुरू। जनता के बीच जाकर सपा के ये योद्धा कहने लगे, पार्टी से हमें ही मिलेगा टिकट, बीजेपी ने अब तक आपके लिए क्या किया, हमारी जुबानी सुन लीजिए। लोकसभा चुनाव के लिए आधिकारिक तौर पर सपा से अभी सिर्फ एक उम्मीदवार का नाम ऐलान हुआ है, वो है लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा का नाम। लेकिन सपा में ढेर सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने भी ये मान लिया है कि टिकट तो उन्हीं को मिलेगा, यानी उन्हें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से संकेत मिल चुका है कि आपको ही टिकट मिलेगा। एक तरह से लोकसभा चुनाव में अपनी संभावित उम्मीदवारी को पक्की या मजबूत मानकर सपा के कई चेहरों ने अपनी जमीनी तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में प्रचार भी तेज कर दिया है जिससे चुनाव की घोषणा होने तक वो जनसंपर्क और संवाद का एक चरण पूरा कर लें। इसमें कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्हें सपा नेतृत्व की ओर से इशारा कर दिया गया है, वहीं कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के सामने अपनी दावेदारी रखी है और उन्हें हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है अखिलेश ने भले ही आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार घोषित ना किए हों लेकिन कई सीटों पर उन्होंने दावेदारों को हरी झंडी दे दी है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि यूपी से सपा कम से कम 55 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इन सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों का होमवर्क पूरा हो चुका है। यूपी में सपा की ओर से गठबंधन को लेकर बातचीत अलग अलग स्तर पर जारी है। चूंकि बातचीत अभी तक हो ही रही है लेकिन यूपी में जिस पार्टी से सपा का चुनाव में मुकाबला होना है वो तैयारियों में काफी आगे है। ऐसे में गठबंधन के दल और सीटें तय होने का इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए नेताओं को अपनी तैयारी को पुख्ता करने के लिए अखिलेश की ओर से इशारों ही इशारों में आदेश दे दिया गया। लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, अकबरपुर से राजाराम पाल, बस्सी से रामप्रसाद चौधरी, गाजीपुर से अफजाल अंसारी, फरुखाबाद से नवल किशोर शाक्य, प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल आदि पहले से प्रचार में जुटे हैं। बांदा चित्रकूट से बाल कुमार पटेल, पूर्व मंत्री शिव कुमार पटेल, श्रावासी से मसूद आलम खां और कुशल तिवारी भी दावा पेश कर रहे हैं। सपा अल्पसंख्यक बहुल सीटों को अपने पास रखने की हर रणनीति पर काम कर रही है, इसलिए गठबंधन में शामिल दलों के मुस्लिम सीटों के दावों पर सपा नेतृत्व बिल्कुल सहमत नहीं। आरएलडी के खाते में जो एकाध सीट जाएंगी वहां भी सपा की रणनीति रालोद के सिंबल पर अपना चेहरा उतारने की है। 2018 में कैराना लोकसभा उपचुनाव में भी पार्टी ने यही दांव खेला था, तब सपा की नेता तबस्सुम हसन रालोद के टिकट पर वहां चुनाव लड़ी और जीती थी। 2019 में वो सपा उम्मीदवार बनी लेकिन जीत हासिल नहीं हुई। इस बार यहां उनकी बेटी इकरा हसन की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। माना जा रहा है कि सीट आरएलडी के खाते में जाएगी लेकिन उम्मीदवार इकरा ही रहेंगी। दावा किया जा रहा है मुस्लिम सपा का कोर वोट है, कभी भी कांग्रेस इसमें सेंधमारी लगा सकती है, इसलिए पार्टी ऐसी कोई भी सीट दूसरे दल के लिए नहीं छोड़ना चाहती जिससे उसकी पूंजी प्रभावित हो। टिकट की उम्मीद टूटने के बाद सपा छोड़कर कांग्रेस में गए नेताओं के लिए गठबंधन की संभावनाओं के बाद मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन की कवायद आखिरी चरण में है। दूसरे राज्यों में मिले झटके के बाद कांग्रेस यूपी में सुर नरम ही रखना चाहती है जिससे यहां साथी ना खोना पड़े। अखिलेश ने फिलहाल 11 सीटें देने का ऐलान कर गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी है। गठबंधन हो गया तो दल बदलने वालों का दिल बैठना तय है। मसलन खीरी से पूर्व सांसद रवि वर्मा कांग्रेस में जा चुके हैं, सपा ये टिकट अपने ही पास रखेगी। सपा से दोबारा कांग्रेस में गए इमरान मसूद के लिए भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। ये सीट गठबंधन में कांग्रेस को दिए जाने के कयास भले लग रहे हों लेकिन सपा में अंदरखानी चर्चा यही है कि यहां साइकिल का ही उम्मीदवार लड़ेगा। स्थानीय सपा विधायक उमर अली ने तो प्रचार भी शुरू कर दिया है। सहारनपुर से मौजूदा बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान भी नया ठिकाना तलाश रहे हैं।